राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज तारीख है 6 अक्टूबर, दिन है शुक्रवार और सुबह की शुरुआत हो चुकी है एक एनर्जी के साथ। कबीर भी स्कूल जा चुका है और इस समय मैं टेरेस पे हूँ। तन्मय और कबीर को मैं दोनों को ड्रॉप करके आया हूँ स्कूल और चाय भी मैंने पी ली है। ये देखिए मॉर्निंग का व्यू मेरे पीछे का कितना सुंदर, बड़े मनमोहक टेरेस पे हर हवा चल रही है। अब मौसम लखनऊ का चेंज हो रहा है, सुबह शाम में हल्की हल्की नमी है, दिन में थोड़ा सा गर्म रहता है। ये देखिए, ये देखिए बाहर का व्यू, नीचे देखिए प्लांट। आज प्लांट में पानी देना है क्योंकि गुड़िया है नहीं, गुड़िया पठानकोट में है, वो मिलेगी जल्दी आपको। तो अब नहीं है तो पौधों को तो पानी देना ही है। पौधों को पानी दे देता हूँ और देखता हूँ गुड़िया वहाँ पे क्या कर रही है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? और ये देखिए हमारी सुबह की शुरुआत हो गई है और ये सारे सूर्य भगवान, और मैं सुबह सुबह छत पे आ गई हूँ और वो देखिए सामने स्कूल में प्रेयर हो रही है, छोटे छोटे बच्चे प्रेयर करते हुए। और मैं आज आपको अपने घर के छत में आगे का व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे छत में आगे का व्यू, देखिए ये देखिए चारों तरफ खेत ही खेत, खेत ही खेत। ये देखिए हरियाली कितनी अच्छी लगती है जो हमें लखनऊ में बिल्कुल नहीं मिलती। गुड मॉर्निंग, इनकी भी ले रहे हैं डंगरों की। गुड मॉर्निंग, सुबह की चाय पी ली। मॉर्निंग हो गई है, सुबह की चाय हो गई है और ये भैंस जा रही हैं। ये तीन बैच जाता है इनका, ये फर्स्ट बैच है, फिर इसी के 2 मिनट बाद सेकंड बैच जाएगा, फिर थर्ड बैच जाएगा। फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं पठानकोट मार्केट, पापा की थोड़ी दवा लानी है, मेडिसिन, और वहीं से हम ममता को ले लेंगे। मैं और सार्थक जा रहे हैं स्कूटर से ना, और वहाँ पे ही पास में हमारी एक भाभी रहती हैं, अगर टाइम बचा तो हम लोग उनसे मिलने जाएंगे, पास में ही रहती हैं, तो चलते हैं आपको उनसे मिलाते हैं। फ्रेंड्स देखो हम लोग अपनी भाभी के घर पहुँचने वाले हैं, ऑटो से उतर गए हैं, माधुरी मैडम को भी ले लिया यानी ममता मैडम। और ये देख रास्ते में पड़ा है ये ट्रैक, ये छोटी लाइन ट्रैक, ये जाता है कहाँ सार्थक? कांगड़ा। ये जाता है कांगड़ा, आपने इसकी वीडियो देखी होगी, पठानकोट जंक्शन से चलती है ट्रेन और कांगड़ा टॉय ट्रेन भी कहते हैं इसको, ये वो ही वाली लाइन है। चलिए फिर हम लोग चलते हैं, वहाँ भाभी वेट कर रही होगा है ना। और यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी चल रहे हैं, भाभी वेट कर रही है हमारा, हम लोगों ने कॉल कर दिया था उनको। फ्रेंड जो मैं अपनी रेनू भाभी के बारे में बता रही थी, ये देखिए मेरी। हाय गाइस, और जी क्या हाल है, आप लोग ठीक हो? सब बढ़िया है। ये आए आज हमारे घर, हमें बोल रहे थे हम आएंगे आपके घर, और आज इनके घर में एकदम सन्नाटा है क्योंकि जो बेटी है इनकी मौली हो गई है स्कूल, और हमारे घर काम चल रहा है, एक्चुअली टाइल्स लग रही है हमारे घर में, तो मतलब पूरी डस्ट डस्ट बहुत ज्यादा। हम लोग देखने आए हैं कि सब सही से लग रहा है कि नहीं, है ना। दिखाइए दिखाइए, अभी दिखाएंगे और हम अपनी से मिलवा दी। ये बैठे हैं सार्थक और ममता, ये हमारी दीदी, ये हमारे सासू माँ है। मम्मी जी बोलिए। हेलो हेलो, हाँ जी, आप नहीं आए साथ में? आएंगे आएंगे सब आएंगे सब आएंगे। और सुनाइए, बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये आए हैं यहाँ पर मिलने के लिए। कहते हैं कि लखनऊ आओ, टाइम ही नहीं लगता हमें, क्या करें, घर से फुर्सत ही नहीं मिलती। हमारी भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है, राजमा और राजमा के अलावा कुछ नहीं खिलाती मैं। कोई आता है तो सिर्फ राजमा, क्योंकि वेजिटेरियन है, नॉन वेज खाते नहीं है, क्या करें फिर, और क्या खिलाएं, हम इनको ज्यादा कष्ट नहीं देते ना। पनीर के कहते हैं, पनीर स्वाद नहीं लगता, पनीर नहीं खाना, बस वो खाते क्या, दाल खाएंगे, सब्जी खाएंगे, बड़े खाएंगे, है ना।
सारी चीजें। हम भाभी को ज्यादा कष्ट नहीं देते, हम तो नॉन वेज खाते हैं, चिकन फेवरेट चिकन। फ्रेंड्स हम लोग अपनी दीदी के साथ बैठे हैं, पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं। दीदी अपनी अपनी शादी की हमें फोटो दिखा रही है। ये देखिए हमारे दीदी जीजा पुराने जमाने के हीरो हीरोइन लग रहे हैं। दीदी कितनी सुंदर लग रही है, अब ओल्ड एज हो गई है। ये देखिए यंग में, और ये देखिए अभी वही। हम लोग पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं, पुरानी एल्बम देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। अब हमारे जीजा जी नहीं है, वो होते तो बड़े खुश होते थे जब हम लोग आते थे। जब भी पता लगता था उनको कि हम लोग आए हैं तो हमेशा सारे जने आ जाओ, जब हम लोग फोन करते थे हम लोग आए हैं सारे जने आ जाओ, तो उनकी कमी बहुत हमें खलती है। तो वही अभी हम लोग बैठे उनकी उनको याद कर रहे हैं। और आप कहेंगे हमारी भाभी क्या कर रही हैं, दिखाते हैं आपको। भाभी लगी हुई है अपने काम में, और ये देखिए भाभी का सैलेड कट गया है। और भाभी ने क्या बनाया आज, साग को तड़का लग गया है। और भाभी ने बनाया सरसों का साग, ये हम लोग इस मौसम का पहली बार खा रहे हैं साग। ये देखिए ये देखिए अरहर की दाल, ये राइस है, राइस को और भी है। चलिए फ्रेंड्स आप आपसे मिलते हैं लंच में, ठीक है। और फ्रेंड्स ये देखिए मौली भी स्कूल आ गई हैं, ये देखिए। और मौली कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा रहा। मौली हम लोग को देख के खुश होगी, इसको पता नहीं था हम लोग आने वाले हैं ना। और ठीक हो? हाँ जी, आप कैसे हो? बस बढ़िया। चलो चेंज करो फिर मिलते हैं ना। फ्रेंड्स अब हमारा लंच हम करने जा रहे हैं स्टार्ट। और ये देखिए मैंने तो आ दिया है, इतना टेस्टी साग है ये देखिए, सरसों का साग, उसमें मिक्स अचार, रोटी, और देखो भाभी मक्खन भी ले आई है। ये है दाल, पापड़ दाल, और वो है साग सैलेड। और मौली नहीं खा रही, मौली स्कूल से खा के आई, उनको उधर से मील मिलता है स्कूल से। मैस लगी है ना उसकी, तो वो वहीं से खा के आती है। घर में तो बच्चे खाते नहीं है, घर में बच्चे खाते नहीं है, इसीलिए मैस लगवाई है कि हर चीज खाए। नहीं तो यहाँ पर तो बस एक्टिंग बाजी, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, है ना, इसीलिए है। मौली आज तो सार्थक भी फंस गए हैं। सार्थक भी खा रहे हैं क्या, देखिए साग और रोटी। चलिए फ्रेंड्स हम लोग खाते हैं। फ्रेंड्स खाना पीना हो गया है भाभी के यहाँ, और इधर देखिए मौली बैठी है अपनी पेंटिंग लेके, आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग करी है मौली ने, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग करी है, दिखाते हैं आपको। अरे ये देखिए भाभी क्या लेके आई है, रसगुल्ली लाई है। और ये देखिए मौली की पेंटिंग, अभी आपको सब एक एक करके दिखाते हैं। ये देखिए मजदूर लोग लगे हुए हैं, ये भैया। भैया नाम? राम प्रसाद। देखिए आपसे नमस्ते कर रहे हैं। आइए आंटी, इनकी वाइफ है, नाम बताइए। पितर भाई। ये देखिए। अच्छा भैया बताओ कब से ये काम कर रहे हो? 40 साल हो गया। 40 साल से कर, कहाँ के हैं भैया? इधर देखो भैया, इधर छत्तीसगढ़। अच्छा बढ़िया से काम करिएगा, हम फिर आएंगे देखने, है ना।
चलिए अच्छा। चलिए अच्छा, फिर भाभी के यहाँ से निकलते हैं हम लोग, है ना, फिर घर चल के आपसे मिलते हैं। मौली 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 बाय। और वो दीदी आ रही हैं, है ना यार, मैं वाली चीज पे लग गई। चलिए फ्रेंड्स, फिर घर चल के आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग घर आ गए हैं और 7 बजने वाले हैं। ट्यूशन के बच्चे वेट कर रहे थे और ये देखिए हम क्या खा रहे हैं, नट हैट। और ये देखिए मेरे संग खा रहा है कौन, ये सार्थक बाबू। यो गाइस, थक गए आज हम, हाँ थक गए आज गाइस, इतना घूमे फिरे, दवाई ली और वहाँ मामी जी के यहाँ गए, वहाँ तो और थक गए क्योंकि खूब मस्ती मज़ा किया, आप जानते हैं व्लॉग में। आज बस मन कर रहा सो जाए। सार्थक बेटा सोना नहीं है, अभी चलना है मामा के यहाँ। हमारे गांव में हमारे भैया रहते हैं, वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं हमेशा, और पापा के लिए भी बहुत हेल्प करते हैं। तो मैं सोच रही परसों मैं चली जाऊंगी, मैं उनसे मिल के जाऊँ। मेरा उनसे मिलना भी नहीं हुआ इस बार, तो अभी थोड़ी देर के लिए उनके घर जाएंगे उनसे मिल के, क्योंकि कल हो सकता है टाइम ना हो, तो इस वजह से मैंने सोचा अभी पहले फ़ोन किया है उनको, वो घर पे हैं। मैं उनके यहाँ जा रही हूँ उनसे मिलने, और सार्थक भैया भी जाएगा मेरे संग। सार्थक जाएगा ना मेरे संग? थक गया आज, मैं भी थक गई, बहुत चली हूँ आज। तो चलिए उनके घर चलते हैं, चलिए उनके घर चलते हैं, और उनसे भी अगर हो सकेगा तो आपसे मिलाएंगे, नहीं तो घर आके आपसे मिलते हैं। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं विपिन मामा के यहाँ, ठीक है। मैं नानी को साइकिल पे बिठा के लेके जा रहा हूँ, और अभी हम दिखाते हैं आपको नानी को साइकिल में बैठाते हुए। फ्रेंड्स देखिए, हम लोग आ गए हैं अपने भैया के पास, ये देखिए मिली हमारे भैया से। हेलो, हाय गाइस, कैसे हो? आई होप यू आर फाइन ऑल। तो गाइस, ऐसी बात है कि दीदी जी आई हमारे घर पठानकोट में, ठीक है। अब दीदी जी का क्या विचार है कि खाना खाना नहीं चाहते, तो मैं जबरदस्ती बिठा रहा हूँ, 2-3 बार उठ चुके हैं जाने के लिए, ठीक है। तो ऑल द ओके बाय। चलिए फ्रेंड देखिए, भैया से आप मिले, ये देखिए मैं ऐसे दिखाती हूँ आपको। और मेरे संग है ये तक, खा लीजिए दोस्तों खाना। और देखिए भाभी ने क्या बनाया है, पहली बार हम लोग भाभी के हाथ का खाना खा रहे हैं। ये है आलू गोभी की सब्जी, पूड़ी, चावल, अचार, और ये सलाद। और सार्थक खा के बताएगा कैसा है। सार्थक कोई नहीं, मैं बैठी हूँ, खा के बताओ कैसा है। और ये देखो हमारी आ गई भाभी गरम गरम पूड़ी लेके, कैसा है सार्थक? एकदम मस्त है, बढ़िया बना है, सब्जी तो एकदम बढ़िया है। हाँ, आलू की सब्जी बढ़िया लगी उसे। चलिए फिर हम लोग भी खाते हैं, है ना फ्रेंड्स, फिर आपको घर चल के मिलते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है भैया के यहाँ, और अब हम लोग चल रहे हैं घर। और चलिए देखते हैं कबीर और उसके पापा वहाँ क्या कर रहे हैं, और हमारी तरफ से आपको गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि भैया, गुड नाइट। गुड नाइट, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। मम्मी गुड नाइट, गुड नाइट, बाय, चल रहे फिर मिलेंगे। गाइस, आज ऑफिस से आने में थोड़ा देर हो गई थी, मगर लगभग 1-1.5 घंटा हो गया आए हुए। फ्रेश व्रेश हो गए, चाय वाय पी ली अब हमने, ठीक है। अब हम और कबीर नीचे डिनर करेंगे भाभी और भैया तन्मय के साथ, फिर उसके बाद गुड नाइट भी होगा, ठीक है, क्योंकि कल है साइंस का पेपर है इसका, तन्मय सिंह का। हाँ, साइंस का।
तो गाइस आज मैथ्स का पेपर था तन्मय का, बहुत ही बढ़िया हुआ, आप समझ सकते हैं बढ़िया तो बढ़िया, नकल भी हुई मगर अकल के साथ गाइस, ठीक है, जो था जो जरूरी है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस खाना खा के फिर मिलते हैं, खाना खाने के बाद आप लोगों से। तो गाइस हम लोगों ने डिनर कर लिया है और गुड़िया लोग पहले ही डिनर कर चुके थे, अभी जस्ट हम लोग ने डिनर किया है और पंजाब में अब बढ़िया हैं, बेटर है उनके गुड़िया के फादर की तबीयत, और उम्मीद करते हैं वहाँ का आपको कल्चर और सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, और आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स जरूर करें। गुड नाइट, बस लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है, दीदी की वीडियो कैसी आ रही है।